हेलो गाइस, मैं हूं प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे एक जापानीज हॉरर फिल्म डार्क वाटर के बारे में। ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी और डायरेक्टर हैं सर हिडियो नकाटा। 2005 में आई अमेरिकन हॉरर फिल्म डार्क वाटर इसी फिल्म का रिमेक है और ये दोनों फिल्म असल में बेस्ड है एक शॉर्ट स्टोरी पर नेम्ड फ्लोटिंग वाटर, रिटन बाई कोजी सुजुकी। IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10 एंड रॉटेन टमेटोज में इसका स्कोर है 80%। ये कहानी है एक सिंगल मादर योशिमी मात्सुबारा की, जिसने हाल ही में अपने अब्यूसिव पति से तलाक लिया है और अभी वो अपनी 6 साल की बेटी इकुको के साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्टली, उसे अपनी बेटी की कस्टडी अभी भी पूरी तरह से मिली नहीं। केस अभी भी चल रहा है और उसका पति उसे मेंटली अनस्टेबल प्रूफ करने की काफ़ी कोशिश कर रहा है, विच इज़ पार्टली ट्रू ऑल्सो। योशिमी जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का तलाक हो गया था, तो उसकी खुद की चाइल्डहुड भी काफ़ी डिस्टर्ब्ड रह चुकी है। शी वॉज नेग्लेक्टेड बाई हर ओन पेरेंट्स और उस ट्रॉमा को भुलाने के लिए उसे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट्स और मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ी थी। उसे अभी भी याद है वो दिन जब वो स्कूल में अकेली वेट करती थी। द लोनलीनेस स्टिल हॉन्ट्स हर। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती इकुको के साथ भी ऐसा ही कुछ हो। वो हमेशा टेंशन में रहती है कि उसकी बेटी को उससे छीन लिया जाएगा और इसीलिए उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। एक तरफ उसे अपनी बेटी की ख्याल भी रखनी है, दूसरी तरफ उसे घर भी संभालना है। वो बहुत मुश्किल से पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर रही है। वो एज अ प्रूफ रीडर काम करती है लेकिन सैलरी बहुत ही कम है और ऑफिस में उसे बहुत देर तक रुकना भी पड़ता है, इसीलिए वो अपनी बेटी को ज़्यादा समय नहीं दे पाती और इसलिए वो हमेशा खुद को ब्लेम करती है। उसे लगता है कि वो एक बहुत ही बुरी माँ है, लेकिन क्या कोई भी माँ बुरी हो सकती है? सच तो ये है, शी ट्राइज हर बेस्ट। फिल्म की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं योशिमी अपनी बेटी को लेकर एक नया घर देखने आई है। ये बिल्डिंग बहुत ही ग्लूमी और डार्क है, फुल ऑफ नेगेटिविटी, और वो लोग जिस अपार्टमेंट में रहने वाले हैं उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। हम देखते हैं सीलिंग पर ऑलरेडी एक ब्लैक स्पॉट है, लेकिन ना योशिमी नोटिस करती है ना वो आदमी जो ये घर दिखाने आया था वो कुछ बताता है। योशिमी को ये फ्लैट बहुत ही सस्ते में मिल रहा था तो वो इसे लेने के लिए राजी हो जाती है, और वैसे भी उसके पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि वो इससे अच्छा घर अफोर्ड कर पाए। यहाँ पर आते समय एक बहुत ही अजीब घटना घटती है योशिमी के साथ, लेकिन वो बिल्कुल भी नोटिस ही नहीं करती। वो लोग जब लिफ्ट में थे, हम देखते हैं लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरा तो है लेकिन लिफ्ट की हालत भी काफी खराब है। यहाँ पर भी सीलिंग से पानी टपक रहा है। जैसे ही योशिमी और इकू को लिफ्ट से निकल जाती है और लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, अचानक से एक सेकेंड के लिए एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है इसी लिफ्ट में, और अचानक से ही वो गायब भी हो जाती है। इस बिल्डिंग की जो केयर टेकर है वो सब कुछ मॉनिटर में देख रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो सब कुछ जानकर भी, सब कुछ देखकर भी किसी से कुछ भी नहीं कहता। उधर योशिमी जब घर देखने में बिजी थी, इकू को खेलते खेलते टेरेस तक पहुंच जाती है और उसे वहां पर एक ब्राइट रेड कलर्ड बैग मिलता है। उसे क्या पता, वो तो बच्ची है, उसे पसंद आता है तो वो उठा लेती है। लेकिन जब योशिमी को पता चलता है तो वो इस बैग को ले जाकर लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में जमा कर देती है। नेक्स्ट डे से ही वो लोग इस नए घर में रहने लगते हैं, लेकिन ऑन द वेरी फर्स्ट डे योशिमी को पता चलता है वो ब्लैक स्पॉट असल में पानी के वजह से हुआ है और अभी वहां से पानी टपकना शुरू भी हो गया है। योशिमी जल्दी से जाकर उस केयर टेकर से इस बारे में बात करती है, लेकिन वो भाई साहब तो कुछ अलग ही मूड में है। वो इस बात को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो बहुत ही कैजुअली कहते हैं, पुराना घर है मैडम, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो होगी ही, मतलब वो कुछ भी नहीं करने वाले। इधर पानी टपकना बंद ही नहीं हो रहा और ये फ्लैट भी 1 BHK है तो उनके पास दूसरा कोई रूम भी नहीं है कि वो शिफ्ट हो जाए। योशिमी बहुत कोशिश कर रही है पैन में पानी को कलेक्ट करने की, लेकिन वो स्पॉट बहुत ही जल्दी फैल रहा है। उसे लगता है ऊपर वाले अपार्टमेंट में कोई पाइप लीकेज हुआ है, इसीलिए यह प्रॉब्लम हो रही, तो वो खुद ही बात करने चली जाती है। लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी उसे वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलती। वो लौटने लगती है, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है वो दूर से देखती है उसी फ्लैट के दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची खड़ी है विथ लॉन्ग हेयर एंड ब्राइट येलो रेनकोट। लेकिन जैसे ही वो बात करने जाती है उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता।
अजीब बात है, लेकिन उसे लगता है कि छोटी सी बच्ची है, खेल रही होगी तो वो उतना ध्यान नहीं देती। उसी दिन डस्टबिन में उसे वही रेड कलर्ड बैग मिलता है। उसे लगता है कि शायद किसी ने डिमांड नहीं की, इसीलिए फेंक दिया गया होगा। असल में योशिमी के साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था, लेकिन वो ऑलरेडी इतनी परेशान थी कि वो बाकी चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी। ऊपर से उसका माइग्रेन उसे बहुत ही तकलीफ दे रहा था। वो मेडिसिन लेने जाती है तो वो देखती है नल से गंदा पानी आ रहा है। एलिवेटर बटन्स के ऊपर भी एक ब्लैक स्पॉट आ गया था और वाटर लीकेज की प्रॉब्लम तो थी ही। दूसरी तरफ हम देखते हैं इको को स्कूल में अकेली वेट कर रही है। योशिमी आज भी लेट है। एट लास्ट जब वो जा पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्कूल बंद हो चुका था और इको को कहीं भी नहीं थी। योशिमी उसे ढूंढने लगती है और इसी बीच उसे एक लिफलेट मिलता है जिसमें एक मित्सुको नाम की मिसिंग चाइल्ड के बारे में लिखा था। कुछ दूर जाने पर उसे इको को मिल जाती है और वो उसे लेकर घर चली आती है। बाद में जब माँ बेटी मिलकर टेरेस पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर फिर से वही रेड कलर्ड बैग मिलता है, एग्जैक्टली उसी जगह पर। इको को फिर से उस बैग को लेने की जिद करती है, लेकिन योशिमी को बहुत अजीब लगता है। उसने तो इस बैग को डस्टबिन में देखा था, तो ये यहाँ पर कैसे आ पहुँचा। इस बार वो उस बैग को उठाती है लेकिन वो रिटर्न नहीं करती। वो ले जाकर उस बैग को डस्टबिन में फेंक देती है। नेक्स्ट डे हमें पता चलता है सिर्फ योशिमी ही नहीं, इको को भी उस लॉन्ग हेयर्ड एंड ब्राइट रेनकोट वाली लड़की को देख पाती है, और वो भी स्कूल में। लेकिन आखिर ये लड़की है कौन? कभी बिल्डिंग में, कभी स्कूल में, वो कैसे आ जाती है? एक दिन स्कूल में हाइड एंड सीक खेलते समय इको को उसी लड़की को देखकर सेंसलेस हो जाती है। योशिमी आती है तो उसे पता चलता है इको को स्कूल में पिछले कई दिनों से उस रेनकोट वाली लड़की की तस्वीर पेंट कर रही थी। वहाँ के एक टीचर से योशिमी को और एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। बात यह है, ये जो पेंटिंग्स इको को बनाती है ये असल में मित्सुको की है। वो कुछ साल पहले तक इसी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन एक साल पहले वो अचानक ही गायब हो गई। किसी को भी नहीं पता चला वो कहाँ गई, और जिस दिन उसे लास्ट देखा गया था उस दिन यही ब्राइट येलो कलर्ड रेनकोट पहनी थी और उसके पास वही रेड कलर्ड बैग था। योशिमी रियलाइज्ड उसे जो लिफलेट मिला था वो इसी लड़की के बारे में था। ये सब सुनकर योशिमी डर जाती है। अगर वो लड़की एक साल से गायब है तो उन्हें वो बैग कहाँ से मिला? रात में योशिमी एक सपना देखती है जिसमें वो देखती है मित्सुको वही येलो रेनकोट पहने और रेड बैग लेकर इसी बिल्डिंग में आ रही है। लेकिन जब वो उठती है वो देखती है इको को घर से गायब है। योशिमी उसे ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते वो पहुंच जाती है उसी अपार्टमेंट में, अपार्टमेंट नंबर 405, जो पहले लॉक्ड था लेकिन अभी दरवाजा खुला है। वो अंदर जाती है तो पाती है इस फ्लैट के सारे नल किसी ने खुला छोड़ दिया है, जिसके वजह से पूरे घर में पानी जमा हो गया है। और वहां पर उसे इको को भी मिल जाती है, लेकिन वो सेंसलेस है। योशिमी जल्दी से उसे गोद में उठाती है और बाहर आने लगती है, और तभी उसे पता चलता है कि इसी घर में पहले मित्सुको रहती थी अपने फादर के साथ। वो जल्दी से इको को लेकर अपने फ्लैट में तो चली आती है, लेकिन शी डिसाइड्स जितना जल्दी हो सके वो इस घर को छोड़ने वाली है। वो पैकिंग करना भी शुरू कर देती है, लेकिन उसका वकील आकर उसे समझाता है अगर वो ऐसे ही घर चेंज करती रहेगी तो उसे कस्टडी मिलने में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसे एक परमानेंट एड्रेस की जरूरत होगी टू प्रूव दैट विथ हर इको इज सेफ एंड सिक्योर्ड। मतलब उसे यहाँ पर ही रहना होगा, इसी घर में, सब कुछ जानते हुए भी। उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है कि ये भूतिया घर, ऊपर से ये वाटर लीकेज की प्रॉब्लम। लेकिन ये वकील भी बहुत ही काइंड हार्टेड है। वो डिसाइड करती है उनसे जितना होगा वो योशिमी की मदद करेंगे। वो इस बिल्डिंग के केयर टेकर को ले जाकर अपार्टमेंट नंबर 405 दिखाते हैं और उसे रिपेयर करने के लिए फोर्स करते हैं। योशिमी के फ्लैट को भी रिनोवेट किया जाता है, तो सब कुछ फिर से धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। इको को भी अभी पहले से बेहतर है और वो स्कूल भी जाने लगी है, और अभी योशिमी भी काफी स्ट्रांग है। वो सब कुछ सिंगल हैंडेडली बैलेंस कर रही है, ऑफिस, घर, इको को, सब कुछ। लेकिन शायद अभी भी बहुत कुछ होना बाकी था। एक दिन योशिमी इको की बैग चेक करते समय देखती है उसके बैग में वही रेड कलर्ड बैग है। योशिमी उससे पूछती भी है, बेटा तुम्हें ये बैग कहाँ से मिला? लेकिन वो बेचारी तो खुद नहीं जानती, वो क्या बताएगी? योशिमी जैसे ही उस बैग को उठाती है वो एक विजन देखती है, वाटर टैंक का विजन। उसे लगता है इस बैग को किसी ने उस टैंकी में फेंका था। उसे लगता है
मित्सुको उससे कुछ बताना चाहती है और उसे वो जानना है। वो एक टॉर्च लेती है और छत पर जाने लगती है। इको को भी जाने के लिए जिद करती है, लेकिन वो उसे घर पर रहने के लिए मना लेती है। छत पर जाने पर वो देखती है टैंकी से कंटिन्यूसली पानी नीचे गिर रहा है, और जैसे ही वो उस टैंकी को टच करती है फिर से एक विजन देखती है। वो देखती है एक साल पहले इस टैंकी का इंस्पेक्शन किया गया था और उसी दिन मित्सुको खेलते खेलते इस टैंकी में गिर गई थी और यहीं पर उसकी मौत हो गई। वो बेचारी लड़की एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता था। और जब से योशिमी और इकुको इस घर में आई है, मित्सुको की आत्मा बहुत ही जेलस फील करने लगी है, क्योंकि उसे कभी भी माँ का प्यार नहीं मिला। दूसरी तरफ घर में इकुको अकेली है। वो देखती है बाथटब से गंदा पानी निकल रहा है, तो वो टैप बंद करने जाती है, लेकिन तभी मित्सुको की आत्मा उसे डुबोकर मारने की कोशिश करती है। योशिमी घर लौटने पर देखती है इकुको फिर से सेंसलेस हो गई है। वो उठती है और बाहर जाने लगती है, क्योंकि ये सब कुछ देखने के बाद उसे यहाँ पर और एक पल भी नहीं रुकना। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में पहुँचती है, चारों तरफ से पानी टपकना शुरू हो जाता है, जैसे बारिश हो रही हो। और तभी वो देखती है इकुको तो बाहर है, उसकी गोद में जो है वो तो असल में मित्सुको की आत्मा है। वो समझ जाती है मित्सुको उन्हें यहाँ से जाने नहीं देगी, तो वो डिसाइड करती है कि वो खुद को सैक्रिफाइस करेगी ताकि इकुको जिंदा रह पाए, क्योंकि उसे पता था मित्सुको को सिर्फ एक माँ की जरूरत है। वो सिर्फ इतना चाहती है कि कोई उससे भी प्यार करे, जैसे योशिमी इकुको से करती है। लिफ्ट ऊपर जाने लगती है और इकुको भी फॉलो करती है, लेकिन जब अल्टीमेटली दरवाजा खुलता है तो अंदर से सिर्फ पानी निकलता है और कोई भी नहीं था अंदर। मतलब मित्सुको योशिमी को लेकर चली गई है और अभी इकुको बिल्कुल सुरक्षित है। देखते देखते 10 साल गुजर गए और अभी इकुको एक टीनेजर है। वो अपने पिता के साथ रहती है और वो खुश भी है, लेकिन वो अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा मिस करती है। एक दिन वो उसी पुरानी बिल्डिंग में जाती है जो अभी कम्प्लीटली अबांडन्ड है, लेकिन जब वो उसी फ्लैट में जाती है जहाँ पर वो पहले रहती थी, वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। इस घर को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये अबांडन्ड है, ऐसा लग रहा जैसे यहाँ पर अभी भी कोई रहता है। उसे वहाँ पर अपनी माँ भी मिलती है और वो बहुत खुश हो जाती है, और वो अपनी माँ से कहती है, क्या मैं यहाँ पर आपके साथ रह सकती हूँ माँ, प्लीज। लेकिन योशिमी बहुत ही प्यार से उसे समझाती है ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर वो मित्सुको के साथ रहती है और मित्सुको और किसी को भी अलाउ नहीं करेगी। लेकिन योशिमी हमेशा से ही इकुको पर नजर रख रही थी और आगे भी रखेगी, और उसकी खुशी में ही उनकी शांति है। इकुको भी समझती है इस मजबूरी को, तो वो मान लेती है। माँ बेटी के बीच ये सब बातें चल ही रही थी, तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। वो तो देख नहीं पाती, लेकिन हम देखते हैं कि ये मित्सुको की आत्मा थी। और तभी उसके सामने से योशिमी भी गायब हो जाती है। इकुको भी घर लौटने लगती है अपने पापा के पास, बिकॉज शी नोस भले ही वो अपने माँ के साथ नहीं रह सकती, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहेगी। दोस्तों, ये फिल्म यहाँ पर ही एंड हो जाती है। भले ही बहुत सारे जंप स्केयर सीन्स ना हो, लेकिन इस फिल्म की जो ईडी एटमोस्फियर है वही काफी है। 2002 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, लेकिन इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी एंड सेटिंग्स इंटेंशनली 90s जैसी की गई थी, जस्ट टू मेक इट मोर ग्लूमी एंड मोर डार्क। इस फिल्म में पानी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिल्म में हर जगह पानी का यूसेज इस फिल्म को और भी ज्यादा पेसिमिस्टिक और भी ज्यादा नेगेटिव बनाता है। इसके अलावा इस फिल्म में मदर डॉटर रिलेशनशिप को बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है, विच मेक्स द फिल्म मोर इंटेंस। मुझे पर्सनली ये फिल्म काफी पसंद आई, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एज वेल। टाटा।